2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्योंकि हार के बाद ना तो अखिलेश सामने आए और ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब अखिलेश यादव योगी के शपथ के अगले दिन लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या फिर आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा देंगे, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। कल सैफई में अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और MLC के चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधायक रहेंगे या सांसद, इसका फैसला अगले कुछ दिन में करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करहल से विधायक अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं को सैफई में बुलाया था। यहाँ उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मैनपुरी की 2 सीटों पर हार के कारणों की चर्चा की। सपा इस बार के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर और भोगांव सीट पर चुनाव हार गई है। अपने ही गढ़ में 2 सीटों पर चुनाव हारने से सपा की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करनी है। फिलहाल पार्टी के नेता पार्टी के MLC पद के दोनों प्रत्याशियों को मैनपुरी से जिताने में जुटे हैं। मैनपुरी के नेताओं ने अखिलेश यादव से कहा कि वो करहल सीट से इस्तीफा ना दें, वो करहल विधायक बने रहें। कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो आजमगढ़ से सांसद रहेंगे या फिर करहल से विधायक बने रहेंगे, इसका फैसला पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाली 26 मार्च को सभी विधायकों की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस बात का फैसला हो जाएगा कि अखिलेश यादव विधायक रहेंगे या सांसद पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते संभावना इस बात की ज्यादा है कि अखिलेश करहल से इस्तीफा दे सकते हैं और आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश के मन में क्या चल रहा है, वो सांसद रहेंगे या फिर विधायक, ये आने वाली 26 मार्च को पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।